पर्व हाँ तो टॉपिक क्या है कि भारत का भूगोल के अंतर्गत हमें देखना है प्रमुख दर्रे और कुछ झीलों के बारे में। देखो मैं आपको उत्तर भारत का ही भाग बताऊंगा। उत्तर भारत में स्थित दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। पास बेटा, दर्रे का मतलब पास होते एक स्थान से दूसरे। पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि पर्वत में, अब देखो आप इस पर्वत से चढ़कर इस पर्वत से नीचे, आपको जाना यहाँ है, अब आप यहाँ से चढ़कर क्या जा रहे हो ऊपर, फिर आप नीचे उतर रहे हो, क्या मतलब? तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक पर्वत से दूसरे पर्वत के बीच में के रास्ते से, मतलब पगडंडी के माध्यम से, सरल रास्ते से आप क्या करोगे, प्रवेश करोगे, जो आपकी यात्रा को सरल सुगम बनाए। तो ये होते हैं दर्रे एक प्रकार। तो दर्रे को यहाँ पर देखना है, तो जो दर्रे हैं बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में हमने आपको पिछली कक्षाओं में बताया हिमालय, और हिमालय में बताया हिमालय पर्वत में हिमालय पर्वत श्रृंखला, ट्रांस हिमालय, बताइए बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालय। तो ट्रांस बृहद और लघु शिवालिक श्रेणियों, इनमें बहुत सारे आपको दर्रे मिलेंगे। तो सबसे पहला उत्तर में स्थित दर्रे का नाम हमने बताया, पूजा भी आप बोल रही थी, तो वही क्वेश्चन है क्या कि उत्तर में स्थित दर्रे का नाम क्या है आपका, काराकोरम। जो काराकोरम दर्रा है, काराकोरम दर्रा है ये भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम काराकोरम है, ठीक है। ये कौन सी श्रेणी में स्थित है, तो ये श्रेणी आपको पता ही है, मैंने बता भी दिया है, क्या बताया हूँ श्रेणी के बारे में, काराकोरम श्रेणी। और जो काराकोरम श्रेणी है इसी का अग्रभाग मैंने आपको यहाँ पर बताया था, क्या नाम, कैलाश पर्वत, पढ़ा था कैलाश पर्वत, आप शंकर जी यही त्रिशूल पर्वत भी है, तो ध्यान देना कैलाश पर्वतमाला और काराकोरम पर्वत, यहीं पर आपका कौन सा है दर्रा है, बोलिए काराकोरम दर्रा, जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं। उसके बाद आप आ जाते हैं कि यहाँ पर जोहिला दर्रा भी, जो जिला, जो जिला, जो जिला, जो जिला दर्रा, बुरजिल दर्रा, बर्नीहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। कल हमने जब आपको बताया था उसमें इसके बारे में बताया था कि पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल श्रेणी हमने पढ़ी थी बेटा, तो कल हमने पीर पंजाल श्रेणी के बारे में बताया था। बर्नीहाल दर्रा, आप लोगों ने वो ध्यान हो जवार सुरंग नाम पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में, बोलिए। हाँ, तो बनिहाल दर्रे से या पीर पंजाल दर्रे से, बनिहाल दर्रे से जवार सुरंग गुजरती, बताया, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट कितने दर्रे हैं, बुरजिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, और एक दर्रा और है इसका नाम है मिंटेक दर्रा। कौन सा दर्रा, मिंटेक दर्रा। ये मिंटेक दर्रा जो है ये भारत पाकिस्तान और चाइना, मतलब कि भारत जो है पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर पर चौकसी कर सकता है सियाचिन ग्लेशियर के पास, तो ये एक दर्रा वहाँ पर, ठीक है, आपको ये याद रखना है जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे। फिर उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश नाम का एक राज्य आता है। हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। देखिए हिमाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पर तीन नदियाँ का उद्गम होता है, आप लोगों को याद होगा मैंने कुछ नदी बताई होगी या मैं बताऊंगा कि देखिए एक नदी है चिनाब, चिनाब एक नदी है रावी और व्यास,
क्या नाम है? चिनाब, रावी, ब्यास। ये तीनों नदियां दर्रों से उत्पन्न हुई, दर्रों के निकट से। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश में बताया था कि बाड़ा लाचा दर्रा है। बाड़ा लाचा दर्रा, ये जो बाड़ा लाचा दर्रा है, इस दर्रे से मैंने आपको चंद्र और भागा नाम से यहाँ पर बताया, बाड़ा लाचा, चंद्र ऊपर वाली और भागा। चंद्र भागा नदी दोनों आपस में मिलती हैं तो वो क्या कहलाती है? चंद्र भागा। और चंद्र भागा को जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी का, ठीक है? तो चंद्र भागा नदी को जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है? चिनाब कहा जाता है। और बाड़ा लाचा दर्रा कहीं है तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में ही एक दर्रा है, रोहतांग। क्या नाम है? रोहतांग। इस रोहतांग दर्रे से के उत्तर से रावी और दक्षिण से व्यास नदी का उद्गम होता है। उत्तरी क्षेत्र से रावी नदी का और दक्षिणी क्षेत्र से व्यास कुंड से कौन सी नदी का? व्यास नदी का उद्गम होता है। रावी नदी चिनाब में मिलती है और व्यास नदी सतलज में मिलती है। कहाँ मिलती है? सतलज में। आपको याद होगा कि रावी जो व्यास नदी है सतलज में हरी के बैराज नाम की जगह पर मिलती हैं और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इसी से, ठीक है? ध्यान रखेंगे आप लोग। तो यहाँ पर प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं, तो हम जो मेन दर्रे हैं पांच दर्रे के लगभग हमने आपको बताया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से काराकोरम, ज्योतिला, मिंटे, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाल दर्रा। वहीं पर अगला राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, जिसमें हमने देखा बाड़ा लाचा, रोहतांग और एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्रा है सिप किला। ये जो सिप किला दर्रा है, जैसा आप लोग जानते हैं पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, आगे बताऊंगा नदियां जब हम पढ़ेंगे तब, यहाँ पर तिब्बत का पठार है और इस तिब्बत के पठार में एक झील स्थित है, उस झील का नाम है मानसरोवर। ये मानसरोवर झील जो है, इस झील से प्रमुख नदियों का उद्गम होता है। इसी के पास, इसके निकट में एक और झील है, उसका नाम है राक्षसताल। क्या नाम बेटा? राक्षसताल। इस राक्षसताल झील से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? और सतलज नदी जो है सिप किला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, आपके एग्जाम में आएगा। नाम मुस्कान है चेहरे पे, नहीं है क्या हुआ? ठीक है, तो क्या है? राक्षसताल झील सिपकिला दर्रा से, यानी कि राक्षसताल झील से निकलने वाली सतलज नदी सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है? द्वीप आ रहा बेटा समझ में? तो यहां पर ध्यान रखना, बाड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला, जो तीन दर्रे कहां पर स्थित है? अब उत्तराखंड राज्य, ये यूके है और ये एचपी है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक है? हाँ बेटा, और भी दर्रे हैं लेकिन यहाँ पर दो प्रमुख फेमस, लेह से लद्दाख है ना जाने का मार्ग, यहाँ ज्योतिला दर्रा। अब देखिए उत्तराखंड जो है यूके, यहाँ पर तीन दर्रे आपको मिलेंगे। कितने? तीन हैं, हम सिक्वेंस से लगा रहे हैं, इनकी स्थिति अलग अलग हो सकती है। एक है दर्रा माना, नीति और लिपू लेक। लिपू लेक दर्रा भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित, लिपू लेक दर्रा। इसके लिए अभी युद्ध भी हुआ था, एक सड़क टनल का भी निर्माण किया गया है, ठीक है? ये सामरिक महत्व के दर्रे हैं, ठीक है? युद्ध के दौरान इनका बहुत ज़्यादा लाभ उत्पन्न होगा हमें, ठीक है? तो आइए, तो उत्तराखंड राज्य जो है यूके में तीन है, माना, नीति, लिपुले।
माना नीति लिपुले। ये तीनों दर्रे कहां पर है? उत्तराखंड। ठीक, यहां से एग्जाम में प्रश्न आने हैं उत्तराखंड के दर्रे। अगले दर्रे की बात करें तो अगला जो दर्रा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये नेपाल राज्य है, यहां पर भूटान है, ऊपर तिब्बत चीन है। नेपाल राज्य जाने के लिए या नेपाल राज्य से मानसरोवर कैलाश यात्रा जाने के लिए यात्रियों के लिए एक दर्रा है। इस दर्रे का नाम, ये जो दर्रा है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है, इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा बेटा? नाथुला। आपके एग्जाम में सबसे पहले ये प्रश्न आएगा कि नाथुला दर्रा निम्न में से किस राज्य में स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है सिक्किम। किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में है। सिक्किम हमारे पूर्व में स्थित है, उत्तर वाला भाग है, पूर्व उत्तर भारतीय क्षेत्र के में नहीं आता, लेकिन वो पूर्व में स्थित है। तो सिक्किम, सिक्किम राज्य के नाथुला दर्रे से कहाँ जाने का मार्ग खुलता है? मानसरोवर, मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत क्षेत्र जाने का, तिब्बत जाने का मार्ग निकलता है। यहां से हुए अपन तिब्बत पहुंच जाएंगे, ठीक है। जबकि आपका भूटान, भूटान के इस रास्ते जाने का, भूटान जाने के लिए एक दर्रा है जे जलेपला दर्रा जो है, ये भारत से भूटान जाने का मार्ग। ये जो दर्रे हैं मैंने बताया, ये सिक्किम के प्रमुख दर्रे हैं। कहाँ के हैं? सिक्किम। अगले दर्रे के बारे में बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है बोमडिला। बोमडिला, बोमडिला दर्रा तवांग घाटी जाती है। तवांग घाटी, अभी इसके बारे में एक लड़ाई चल रही थी, तवांग घाटी क्षेत्र। आपको मैंने आज ही बताया था कि 26 अक्टूबर 1962 को हमने पहली बार क्या लगाया? इमरजेंसी लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि नेफा यानी कि अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर चाइना ने आक्रमण कर दिया था। चाइना शुरू से मानता है कि अरुणाचल प्रदेश और उसके हिस्से जो है वो आसपास के क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश सहित ये क्या है, किसका है? चाइना का। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ही है, शुरू से हमारा। परंतु उनको लगता है, इसलिए उन्होंने युद्ध किया। कब युद्ध किया? 1962 में नेफा। तो बहुत सारा हिस्सा उन्होंने ले भी लिया, हमने जीत लिया है, संधि भी हुई और बहुत सारी बातें। तो बोमडिला दर्रा, तो बोमडिला दर्रा जो है तवांग घाटी क्षेत्र में जाने का मार्ग खुलता है। बोमडिला तिब्बत जाने का मार्ग भी हम कह सकते हैं, तो बोमडिला। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में और दर्रे आते हैं। एक है कौन सा दर्रा? दीपू दर्रा, और एक है यांगयाप दर्रा, जो अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल पूर्व में स्थित दर्रा है, उसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा जो है, जो मानसरोवर झील है इससे जो नदी आती है, मानसरोवर झील से जो नदी आती है, एक नदी आती है, क्या नाम है? सांगपो। क्या नाम है? सांगपो। सांगपो तिब्बती भाषा में कहा जाता है किसको? ब्रह्मपुत्र को। तो सांगपो नदी जो भारत आती है, वो भारत में प्रवेश यांगयाप दर्रे के पास से दिहांग के नाम से करती है। किसके नाम से करती है? मान दिहांग के नाम, दिहांग के नाम से ये करती है। और इसमें लोहित और दिवांग नाम की नदी आकर मिलती है। कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसकी सहायक नदी है लोहित। क्या है नाम इसका? लोहित। और इस लोहित नदी पर 9.15 किलोमीटर लंबा
9.15 किलोमीटर लंबा एक नदी पुल है। कौन सा पुल है बेटा? नदी पुल। यदि जिन बच्चों को याद हो तो बता दो क्या नाम है नदी सेतु भूपेन। हाँ ये विविध में दिया है बेटा भूपेन हजारिका, इनको भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है प्रणब मुखर्जी, नाना साहब देशमुख, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को एक साथ भारत रत्न दिया गया। ठीक है तो भूपेन हजारिका सेतु जो ढोल को सादिया से जोड़ता है, अरुणाचल प्रदेश को हाँ असम से जोड़ता है। कसम से ये प्रश्न आया, असम को जोड़ता है और कसम से ये प्रश्न आएगा याद रखना। तो भूपेन हजारिका जो है सेतु लोहित नदी पर 9 पॉइंट, ये लोहित किस की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये प्रश्न आपको याद रखना। तो बोमडी दर्रा अलग हो गया, यांगयाप दर्रा से कोई नदी प्रवेश कर रही है उसको हम दिहांग कह रहे हैं और ये अरुणाचल प्रदेश के बाद में जब असम में प्रवेश करती है तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये प्रश्न पढ़ा है, आगे काम आएगा आपके एग्जाम। आगे इसी अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक और दर्रा है जिसका नाम है रिफू दर्रा। क्या नाम बेटा? म्यांमार के बीच की सीमा पर म्यांमार जाने का मार्ग रिफू दर्रा और इसी के नीचे जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश के बाद में राज्य आते हैं बेटा, यहाँ से एक अलग राज्य आ जाता है नागालैंड। यहाँ पर नागालैंड मणिपुर, तो मणिपुर में ये है मणिपुर। क्या है? मणिपुर अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल। तो अरुणाचल मणिपुर में तूजू दर्रा, कौन सा दर्रा बेटा? तूजू दर्रा जो है वो आपके अरुणाचल प्रदेश में है या मणिपुर में। ठीक है ये पूर्वोत्तर भारत सहित उत्तर भारत के प्रमुख दर्रे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने, और भी दर्रे होंगे लेकिन ये जो दर्रे हैं जो आज तक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी हो एमपी कांस्टेबल हो है ना, अन्य जो भी एग्जाम है सारे एग्जाम में ये दर्रों से प्रश्न आएंगे, ये आपको ध्यान रखना बन जाएगा बेटा। ठीक है ये हमने कल उत्तर भारत पढ़ा था, उत्तर भारत के जो हिमालय पढ़ाए थे उन हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। एक बार फिर दोहरा देते हैं, जम्मू कश्मीर राज्य और लद्दाख राज्य के प्रमुख दर्रों में काराकोरम मिंटेक बुरजिल बनिहाल पीर पंजाल और जोजिला दर्रा है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रे का नाम काराकोरम दर्रा है। हिमाचल प्रदेश से बाणालाचा रोहतांग और सिपकिला दर्रे, सिपकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। बाणालाचा दर्रा से चीनाब नदी का उद्गम है। रोहतांग दर्रे के उत्तरी भाग से रावी नदी और दक्षिणी भाग के व्यास कुंड से कौन सी नदी? व्यास नदी का उद्गम होता है। नेपाल के जाने का मार्ग यहाँ उत्तराखंड, उत्तराखंड से माना नीति और लिपुलेख जो नेपाल की सीमा पर स्थित है लिपुलेख। भारत और नेपाल की सीमा तय करती थी काली नदी। आपको बता दें अगर हम प्रादेशिक आधार पर अगर हम हिमालय को पढ़ते हैं, किस आधार पर बेटा? प्रादेशिक आधार पर यदि हम हिमालय को पढ़ते हैं तो कुछ हिमालय इस प्रकार से आपको पढ़ने को मिलता है। प्रादेशिक आधार पर हिमालय कुछ इस प्रकार का। अगर हम नदियों की बात करें तो नदियों में सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो ये मानसरोवर झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा मानसरोवर। इस मानसरोवर झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम सिंधु नदी कहते हैं और सिंधु नदी जो है अरब सागर में कराची के निकट जाकर मिल जाती है। 2900 किलोमीटर लंबाई है राजेश इसकी सिंधु नदी, और ये सिंधु नदी के पास यही मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसको अभी मैंने यहाँ पर बताया राक्षस, हाँ राक्षस ताल झील से जो निकलती है राक्षस ताल से,
एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सतलज नदी, जो सिप किले दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी किस में जाकर मिल जाती है, सिंधु नदी। उत्तराखंड के पास में यानी कि यहाँ पर नेपाल के वाले हिस्से में एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है, काली। यहाँ पर ही है सतलज और इसका नाम है सिंधु। सिक्किम के दक्षिणी हिस्से से दार्जिलिंग की पहाड़ी के पास से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है तिस्ता। क्या नाम है बेटा, तिस्ता। काली नदी जो है यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये गंगा की सहायक नदी है। तिस्ता नदी जमुना की सहायक है, जमुना माने ब्रह्मपुत्रा। जमुना क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे जमुना कहते हैं। और अगली जो नदी आपकी मानसरोवर झील से निकल कर आ रही है उसका नाम आपका ब्रह्मपुत्रा, या इसको हम कह सकते हैं सांगपो। सांगपो के बाद में यहाँ पर उसे दिहांग, दिहांग और ब्रह्मपुत्रा आगे जाके तीसरा इसमें मिल जाती है। गंगा भी इसी में जाकर मिलती आगे। तो सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को, सिंधु और सतलज के बीच के हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, पंजाब या कश्मीर हिमालय। सतलज नदी से काली नदी के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कुमायूं। काली नदी से तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच के हिमालय को असम हिमालय। ये नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन है, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ बेटा, नदियों क्या था? तो यहाँ पर भी हमने वही चीज देखा है, यहाँ पर जो काली नदी है ये नेपाल और हिंदुस्तान की यानी भारत की सीमा बना रही है, अंग्रेजों के समय की बात है। यहीं पर स्थित है क्या, दर्रा, कौन सा, लिपुले। ठीक है, यहाँ पर इसी के कारण ये थोड़ा सा विवादित हुआ था। नेपाल कह रहे हैं कि हमारा है, हम कह रहे हैं कि नहीं ये हमारे क्षेत्र में, तो इस प्रकार से, क्योंकि ये सीमा का विवाद था काली। तो ये क्लियर है आपको, यहाँ पे समझ में आया पीछे, ओके बेटा। हाँ, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हिमालय को हमने कल पर्वतीय क्षेत्रों से बांटा था, आज हमने क्या किया है, उसको प्रादेशिक आधार पर बांट दिया है। इनमें कई झील है, आगे हम बताएंगे और भी चीजें हैं, लेकिन ये टॉपिक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है। सबसे छोटा जो क्षेत्र है हिमालय का प्रादेशिक आधार पर कुमायूं हिमालय का क्षेत्र आ रहा है, जबकि सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो नेपाल हिमालय का है। नेपाल, इसी नेपाल हिमालय में, नेपाल में ही स्थित सबसे ऊंची चोटी आप सब लोग जानते क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है इसकी ऊंचाई भी आपको पता है 8,848 मीटर। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कविता, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी याद। तो आपको यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आने, ये हुआ आपका एक टॉपिक, एक टॉपिक आपका प्रमुख दर्रों का। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर दूंगा। ठीक है, बताइए कोई प्रश्न। गुरुदेव, समझ में आया, चलो ठीक।